हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशेष क्लैशिंग। सो गाइस, आज हम लोग क्या करने हैं भाई। आज हम लोग CW का अटैक करने वाले हैं, और भाई बहुत दिनों बाद मैं एक स्ट्रेटजी यूज़ करने वाला हूँ, जो कि आप लोग ने पहले मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं जो स्ट्रेटजी यूज़ करता था, मैं कुछ दिन से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, 2 महीने हो गए लगभग। तो भाई आज मैं बहुत दिनों बाद उसको यूज़ करने जा रहा हूँ, सीधे CW में यूज़ करूँगा, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं, सीधे मैं CW में करूँगा। और भाई इस बार का सीरियल बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब यार मेरा लक्की नंबर, मतलब हमारे क्लैन का लक्की नंबर क्या 3rd है भाई, गोल्ड लीग 3rd में जब हम लोग स्टार्टिंग में थे, जब हमारा क्लैन स्टार्टिंग का CW खेल रहा था, तब हम लोग 2nd आए थे गोल्ड लीग 3rd में। और भाई फिर हम लोग 2nd CW खेले, तो उसमें हम लोग 7th आए थे गोल्ड लीग 2nd में, तो हम लोग का डिमोट हो गया था लीग। तो इस बार फिर से हम लोग गोल्ड लीग 3rd में खेलने, तो फिर से हम लोग 2nd ही आए हैं, मतलब क्या बात है। और भाई और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, इस बेस पे हम लोग जाएंगे अटैक करने। थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वो स्ट्रेटजी यूज़ करने जा रहा हूँ। तो ये बेस है, और इससे हार्ड बेस नहीं मिला मेरे को, क्योंकि इससे हार्ड बेस मैं ट्राई भी नहीं कर सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अभी हम लोग इस पर अटैक करेंगे, और बहुत दिनों बाद वो स्ट्रेटजी यूज़ करने जा रहा हूँ, पता नहीं कैसा लग रहा है, बस अब पता नहीं क्या होगा। और इससे मैं इस पर अटैक करूँगा, अपने दूसरे आईडी से इस पर अटैक करूँगा, तो ये करने वाले हैं। और देख, हम लोग का मतलब इस बार स्टार्स अच्छे गए हैं, बट पास द जॉइंट, मतलब जो नंबर 1 है भाई, उसी से हम लोग यहाँ पे हारे हैं, और मतलब हारे बहुत बुरा है हम लोग, मतलब लास्ट में 13 अटैक में हम लोग ने 25 किया, हम लोग ने 14 अटैक में 31, बस थोड़ा सा बच गए हम लोग। और इधर हम लोग जो 6th वाला जीते हैं अभी जस्ट, इसके पहले वाला भाई बहुत बुरी तरीके से जीते हैं, मतलब देख रहे हो इतना हार्ड है इन लोग का बेस, हम लोग 12 अटैक्स में सिर्फ 15 स्टार कर पाए, और इन लोग ने 8 में 13 कर दिया। वो तो अच्छा हुआ लास्ट में इन लोगों ने किया नहीं, हम लोगों ने लास्ट में करके जीत गए, हम लोग फ्री जीत जाने वाले हैं। इस कामवेल के साथ उन लोगों ने सिर्फ 2 अटैक्स में 4 किया है, हम लोग ने 7 पे 18 किया है, तो अभी हम लोग इस पर करेंगे। तो अभी बेस चेकआउट करते हैं। तो गाइज ये बेस है, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग को बस पहले जो मैंने बलून्स लिए हैं, 4 बलून्स लिए हैं मैंने, तो उसके लिए हम पहले उसको हम लोग डालेंगे, तो उससे हम क्या होगा कि हम लोग का यहाँ ट्रिगर हो जाएगा जितने भी एयर बॉम्ब्स और बाकी चीज़ें हैं, और फिर ड्रैगन हम लोग पीछे छोड़ देंगे। ओ बलून तो लिया ही नहीं मैंने, कोई बात नहीं, हम लोग विजार्ड ही लेंगे, ठीक है विजार्ड लेंगे हम लोग। तो अभी चलते हैं हम लोग अटैक के लिए, तो चेक करते हैं पहले, देखिए किधर साइड से अटैक करना है हम लोग को। हम लोग गाइस इधर से अटैक स्टार्ट करेंगे, ड्रैगन सारे के सारे इधर जाएंगे, उसके बाद हम लोग इधर साइड से पैका छोड़ेंगे, या फिर इधर से छोड़ो। ओके, तो हम लोग पैका, जब ये ड्रैगन इधर साइड से ये सारे चारों निकाल लेगा, तब हम लोग यहाँ से पैका छोड़ेंगे, ताकि सीधे इधर जाए, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे जंप स्पेल, और यहाँ जंप स्पेल के बाद ये तीनों कंपार्टमेंट साफ़ हो जाएगा सिर्फ पैका से। और ईडी हम लोग फिर, अगर ईडी हम लोग इधर डालेंगे, इधर साइड विजार्ड टावर की टाइप साइड से, तो चलते हैं बस, इससे ज़्यादा प्लानिंग करूँगा तो हार जाऊँगा। तो लेट्स गो फॉर अटैक। तो इधर हम लोग चलते हैं पहले, ड्रैगन 1, 2, 3, 4, 5, और अब हम लोग इधर साइड से डालेंगे पैका, इधर साइड से किंग की एबिलिटी गलती से लग गई यार, फिर क्वीन, इधर साइड से इलेक्ट्रो, अरे यार जंप स्पेल लाए नहीं, क्या बात है, यहाँ पे एक हीलिंग डालते हैं, नहीं तो ड्रैगन्स तो गए आज हमारे।
क्या हो गया ये, क्वीन भी जा चुकी है, वैसे हम लोग जीत चुके हैं साइड से। स्वैग 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 स्वैग, भाई चार नहीं पांच स्पेल का स्वैग दिया है मैंने, वो प्लस रखा हुआ है अभी भी, तो यूज़ भी नहीं करूँगा मैं क्योंकि यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। और इनका भाई साहब किंग तो गए, बच गए भैया। तो गाइज बहुत दिनों बाद स्ट्रैटेजी यूज़ करने के बाद यही सब होता है। तो थ्री स्टार निकाल लिया हम लोग ने, अब हम लोग अपने पुराने स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं यानी ड्रैगन। तो वो हम लोग करेंगे इससे और इस पर अटैक करेंगे हम लोग, अभी चलते हैं वहाँ पर। तो गाइज हम लोग आ चुके अपने विशेष वाली आईडी में, तो इधर हमारी आर्मी ट्रेन है ये ड्रैगन वाली, और हमारे पास हीरोज हैं, और जो हमारे पास लाइटनिंग होती है वो है, और फ्रीज है, और फ्रीज एक सिक्स लेवल का है और एक ईडी है दो लेवल का। तो अभी हम लोग अपने हीरोज को बूस्ट कर देंगे क्योंकि एक ही बचा था, क्या करेंगे हम लोग, लास्ट सी डब्ल्यू एल भी है। तो बूस्ट करने के बाद हम लोग इस पर आएंगे अब। तो ये बेस है, बहुत घटिया सा है, तो हम लोग को करना है क्या इधर कि इसको और इसको टेक डाउन करना है, इसको और इसको टेक डाउन करना है लाइटनिंग से। देन उसके बाद हम लोग इधर साइड से अपने ड्रैगन्स छोड़ देंगे सारे के सारे, और इधर साइड से जब तक साफ होगा थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग अपने किंग को छोड़ देंगे, और किंग जिधर जाएगा उधर साइड हम लोग क्वीन को छोड़ेंगे ताकि एक एयर डिफेंस टेक डाउन कर लिया जाए। और उसके बाद हम लोग इधर साइड से पीछे से हम लोग ईडी छोड़ देंगे कि जितने भी ट्रिगर होने रहेंगे हमारे एयर बॉम्ब्स उन लोग के, वो ट्रिगर हो जाएंगे ड्रैगन्स के ऊपर। तो अभी चलते हैं हम लोग अटैक के लिए। तो हम लोग पहले इधर साइड अपना किंग ही डाल देंगे और किंग को देखेंगे किधर साइड जाता है, उधर साइड फिर हम लोग अपना क्वीन डाल देंगे। ये रही क्वीन हमारी यहाँ जा गई। तो अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, इन लोग के सीसी में कुछ नहीं है तो हम लोग के लिए अच्छा ही है। और अभी हम लोग थोड़ा सा बस देखेंगे कहाँ तक जाती है क्वीन। तो अभी हम किंग को एबिलिटी देंगे, यहाँ पे एक हमारा साफ हो चुका है एयर डिफेंस, तो अभी बाकी के साफ करेंगे। भाई एक तो हुआ ही नहीं, ये तो प्रॉब्लम हो गया। चलो कोई बात नहीं, और यहाँ पे डाल देंगे अपने ड्रैगन को पीछे से ईडी, टाइम फेल ना हो जाए बस। अब हम लोग डालेंगे फ्रीज, अरे भाई क्या हो रहा है, ब्लैक एयर बॉम्ब्स जगह जगह से निकल रही, क्या बात है। अरे भाई ईडी को भी कुछ करने दे। तो अभी हम डालेंगे फ्रीज, बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद फिर चला ही जाएंगे। अभी ईडी को थोड़ा टाइम मिला है, तो गाइज ये थ्री स्टार है, प्रॉब्लम नहीं अब ज़्यादा, बहुत आराम से थ्री स्टार है। तो ये हो गया थ्री स्टार हो गया, तो 30 सेकेंड रहती हम लोग कर लिए थे। तो अभी भाई ये हो चुका है, और हम लोग के क्लैन का 24 स्टार हो चुका है 9 अटैक्स में। अभी सिर्फ ये बचा है अटैक के लिए, ये बचा है अटैक के लिए, ये और ये बचा है अटैक के लिए, ये लोग भी जल्दी जल्दी कर देंगे।
तो हम लोग के इस टाइम पे हमको लग रहा है 40 प्लस स्टार होंगे आई थिंक, क्योंकि अभी ये दो न्यू बेसिस बचे हैं उसके बाद और ये सारे हैं। तो भाई टाउन हॉल 11 के सामने 10 है क्या, मतलब कुछ नहीं है, तो हो जाएंगे 40 प्लस स्टार्स। और हम लोग रहेंगे सेकंड पे ही रहेंगे क्योंकि फर्स्ट आने के लिए बहुत स्टार चाहिए, और थर्ड भी नहीं जा सकते क्योंकि थर्ड वाले को सेकंड आने के लिए भी बहुत स्टार चाहिए। तो ना हम लोग फर्स्ट जाएंगे ना थर्ड जाएंगे, हम लोग रहेंगे सेकंड पे ही। तो गाइज ये, और अब भी हम लोग थोड़ी देर में हम लोग का शेड्यूल एंड होने वाला है, तो उस टाइम पर हम लोग अपना मतलब सबको हम लोग मेडल्स देंगे। तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा तो अपना देंगे मेडल्स देंगे। तो ओके गाइज, यहाँ पे हम लोग का CWL खल्लास हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है। तो अभी चेक करते हैं उसको। तो यहाँ पे हम लोग का सीज़न ख़त्म हो चुका है, हम लोग को 132 रिवॉर्ड मिल चुका है। तो अभी देखते हैं, हम लोग सेकंड आए थे इसलिए 132 मिला था गोल्ड लीग थर्ड पे, हम लोग प्रमोट हो चुके हैं गोल्ड लीग सेकंड पे। और भाई लेकिन बहुत मज़ा आया इस बार के सीरियल में। तो अभी यहाँ पे मतलब हम लोग बोनस देंगे। तो अभी देखो यहाँ पे आई थिंक 8 लोग को देना है, तो देते हैं विशेष, हर्षल, विशेष क्लैशिंग, भरत, कुशल भुगतानी, मिस्टर लॉयल, लव, शेखन। और भाई जॉर्डन जगदीश को नहीं मिलेगा, व्योम को नहीं मिलेगा, मुर्तजा को नहीं मिलेगा, सुमित को नहीं मिलेगा, इन सबको नहीं मिलेगा। लेकिन यार तो गाइज हमें 8 लोग को चूज़ करना था, हम लोग ने 8 लोग को चूज़ कर लिया है, जिसमें नाम आता है सबसे पहले मेरा, फिर हर्षल का, फिर मेरा, फिर भरत का, फिर कुशल का, फिर लॉयल का, फिर लव का, फिर शेखन उप्पी का। तो भाई ये हमारे 8 बंदे ऐसे हैं जो अटैक करके 15 स्टार अब लाए हैं और टॉप 8 में अपनी जगह बना पाए हैं। तो इन्हीं को सिर्फ मिलेगा और किसी को मिलने वाला भी नहीं है। तो दे दें ओके 1 2 3 गो। तो हो चुका है, तो यहाँ पे सबको मैंने दे दिया है और सीजन इन। अब हम यहाँ से स्टार्ट वॉर कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ सबको मिल चुका है अपना बोनस, नाम अनाउंस्ड हो चुका है। अब भाई देखो मेरी क्या हालत होती है। तो गाइज आज यहीं तक, उसके बाद बाकी बाद में। सो गाइज बाय।